आज मैं आपको एक ऐसा विषय बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे, और ये खबर ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इंटरमीडिएट पास किए हैं इस साल यानी 2022 में। बिहार बोर्ड का इंटर का रिजल्ट आ चुका है, ये खबर उनके लिए है। हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, JNU में पढ़े, BHU में पढ़े, देश के जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिहार में भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ साउथ बिहार, एक मोतिहारी में भी है, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होता क्योंकि कट ऑफ मार्क्स इतना ज़्यादा जाता है, 98%, 99%, 99.8% कि आम विद्यार्थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नंबर कितना आया यह मेरिट का प्रमाण नहीं है। यह खबर इसी से संबंधित है कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12वीं में कितना नंबर अधिक आया या कम आया इसके आधार पर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं होने जा रहा है। तो कैसे होगा ग्रेजुएशन में एडमिशन? पुरानी संपूर्ण व्यवस्था खत्म होने जा रही है क्योंकि आज UGC ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये UGC का नोटिफिकेशन आया है न्यूज़पेपर में, और इसमें कहा गया है कि पुरानी जो चली आ रही थी प्रक्रिया वो खत्म, और अब देश में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, चाहे वो आप साइंस में लें BSc, BCom, BA या BTech या BE, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में UG में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, वह नंबर के आधार पर नहीं होगा, वो इस आधार पर नहीं होगा कि इंटरमीडिएट में यानी 12th में आपको कितना नंबर आया है, बल्कि उसके लिए एक टेस्ट होगा, ऑल इंडिया लेवल का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जिसको नंबर अच्छा मिलेगा उसी का एडमिशन होगा। कुल मिलाकर लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए कर दिया गया है। सभी विद्यार्थी, चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे बॉयज़ हों, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हों, चाहे जनरल हो, अपनी किस्मत आजमाइश एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम टाइप का हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड, उस आधार पर जिसको मेरिट आएगा उसका एडमिशन होगा। ये नहीं कि जो CBSE में 99% आता है उसका एडमिशन हो गया और जो बिहार बोर्ड में जिसको 70% आया उसका नहीं होगा, क्योंकि अब बात कंपटीशन की हो गई है। इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये परीक्षा कौन लेगा? ये परीक्षा लेगा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जाँच परीक्षा एजेंसी जो है वो लेगा, और ये इसका फॉर्म अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ऑनलाइन भरना शुरू हो जाएगा। जो भी इंटर पास किए हैं बिहार बोर्ड से इस साल या अन्य बोर्ड से जो पास करेंगे, हरियाणा बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड है, या CBSE, ICSE का भी एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में होगा, उससे भी लोग इंटर पास करेंगे, 12th पास करेंगे, सभी लोग चाहेंगे कि हमको थोड़ी देर में वो चीज़ हो। तो सवाल ये है कि वो कैसे उनका काम हो पाएगा, मतलब कि उनका टेस्ट उनको देना पड़ेगा, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड के हों या स्टेट बोर्ड के हों, आपको वह टेस्ट देना होगा और तभी ग्रेजुएशन में एडमिशन हो पाएगा। तो ये जो टेस्ट लेगा उसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये एजेंसी पार्लियामेंट के एक्ट से बना है यानी एक स्टेचुटरी बॉडी है, और ये ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा, और 2022 में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, बिहार में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कुल मिलाकर 44-45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में, उसमें ग्रेजुएशन में जिसे अंडर ग्रेजुएट कहा जाता है UG, उसमें NTA के द्वारा लिए जाने वाले ऑल इंडिया लेवल टेस्ट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। अब इसमें देखिए, अब इवन राज्य का जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे बिहार का अपना यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश का भी अपना यूनिवर्सिटी होगा जिसे स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, अगर वो भी चाहें तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़
इंट्रेंस टेस्ट होगा, CUET नाम दिया गया है, CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंट्रेंस टेस्ट 2022। इसके स्कोर के आधार पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी चाहें तो ग्रेजुएट में एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी चाहें तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। क्या योग्यता होगा? 12वीं पास होना चाहिए। अब फर्स्ट डिवीजन है, डिस्टिंक्शन है, 100% मार्क्स आया है, उससे कोई मतलब नहीं है, सब बराबर हैं। एवरीवन जो पास है इंटर वो इस टेस्ट में बैठ सकता है, नंबर वन। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी कह सकती है कि हम उसी इंटर वाले को लेंगे का ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे जो इंटर में 60% लाया हो, या इंटर में 65% लाया हो, या इंटर में 55% लाया हो। मिनिमम योग्यता, उसके आधार पर एडमिशन नहीं होगा, लेकिन वो कह सकता है कि हम उसी को लेंगे जो इंटर में 55%, 60%, 65%, 70% लिया हो, लेकिन एडमिशन होगा जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंट्रेंस टेस्ट 2022 हो रहा है उसमें जो आपका स्कोर प्राप्त होगा उसके आधार पर होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए मिनिमम योग्यता इंटर हो वो व्यक्ति बैठ सकता है। और यह फॉर्म अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन भरना है सभी विद्यार्थियों के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चाहते हैं दाखिला लेना, JNU में, DU में, BHU और जितने भी 45 देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए। और ये परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन होगा, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर आना पड़ेगा, ऑनलाइन देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड। अब इसमें जो है सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस जो 12वीं का कमोबेश सिलेबस है वही लगभग लगभग रहेगा, और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। सिलेबस इस तरह से बनाया गया है कि CBSE को ज़्यादा फायदा ना हो, बिहार बोर्ड को लॉस ना हो, तो कुल मिलाकर बहुत ही तरीके से वो सिलेबस डेवलप किया गया है। अब इसमें जो पेपर होगा एक सेक्शन 1A है, सेक्शन 1A जैसे कि जो टेस्ट होने जा रहा है इसमें कौन कौन से खंड होगा, एक सेक्शन होगा, पेपर तो एक ही होगा लेकिन उसमें पहला जो सेक्शन है वो खंड 1A है, वो अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, 13 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी जितनी भी ऐसी हैं वो 13 भाषा में होगा। और जो भाषा उसमें शामिल नहीं है उसको देना पड़ेगा एक अलग खंड 1B। 1B में वही बैठेगा, यानी जो भाषा 1A में नहीं है उसके लिए 1B होगा। तो आप 1A में नॉर्मली सब लोग बैठेगा, हिंदी इंग्लिश मेन 1A में है, 1B की बात ना करें। और एक जो है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा, यानी कि आप इकोनॉमिक्स में लेना चाहते हैं, BA इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, आप BA ज्योग्राफी में लेना चाहते हैं तो उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के बारे में होगा जिसमें आपको एडमिशन लेना है। साइकोलॉजी में लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, तो उस विषय का होगा टेस्ट। और एक होगा जनरल टेस्ट, मतलब कि एक सेक्शन होगा, एक तो होगा सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का होगा कंपलसरी 1A, एक डोमेन सब्जेक्ट का हो गया और एक हो गया जनरल। अगर JNU कहता है या DU कहता है कि हम इस विषय के लिए, इस कोर्स के लिए अलग से भी कुछ टेस्ट लेना चाहते हैं तो एक जनरल टेस्ट वो ले सकता है। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, सुबह शाम कम्युनिकेट होगा इस चीज़ को। रिजर्वेशन पॉलिसी पहले जैसा कायम रहेगा, ये जान लीजिए, रिजर्वेशन खत्म नहीं होने जा रहा है, पहले जैसा कायम रहेगा। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है SC ST OBC और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है। इसके बाद आप जब जाएंगे, मान लीजिए आपका स्कोर आ गया तो आप JNU में अप्लाई कीजिएगा कि भाई हमको एडमिशन ले लीजिए, हमको ये स्कोर आया है, तो JNU में सभी लोग अप्लाई किए होंगे तो उसमें आपका फिट बैठता है मेरिट तो आपका हो जाएगा। लेकिन अब आपका काउंसलिंग नहीं होगा, ये क्लियर कट गाइडलाइन में है कि काउंसलिंग नहीं होने वाला है। और अलग अलग टेस्ट से इस प्रकार हो गया, पहले क्या था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर भाई DU के लिए ट्राई कीजिए, JNU के लिए ट्राई कीजिए, BHU के लिए ट्राई कीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आप कोई और राज्य में दौड़ते रहिए, जिस लेना है सब पता नहीं कहाँ होगा। और दूसरी बात, लोगों को 99% नंबर हैं तो आपका तो होगा नहीं, सबसे निजरा, क्योंकि 12वीं के नंबर अब आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं दिलवाएंगे, अब आपको दिलवाएगा नंबर कितना स्कोर आ रहा है इंट्रेंस टेस्ट में, जिसमें सेक्शन 1A है भाषा का होगा, सेक्शन
वन ए है, उसके अलावा एक सब्जेक्ट का हो जाएगा और एक जनरल टेस्ट का होगा। आराम से 2 घंटे का इस तरह का, 2 या 2.5 घंटे का टेस्ट होगा जिसका डिटेल्स आ रहा है। ऑल इंडिया पर लेवल पर बैठिए और उसी आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, इसे कहते हैं, शिक्षा में आ रहा है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए सभी लोगों के द्वारा। क्योंकि पहले CBSE वालों का ही सब हो जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, और बाकी लोग क्या करते थे, इसी तरह झाल बजाते रह जाते थे। अब ऐसी बात नहीं होने वाली है, अब सबको मौका मिलेगा। जो एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा करेगा उसका एडमिशन होगा, जो नहीं करेगा वो फिर होगा। दूसरी बात, अगर राज्य की सरकार भी चाहे, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी चाहे कि हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उसी स्कोर को अपना सकता है। हर विद्यार्थी का एक स्कोर होगा, जैसे IIT का स्कोर होता है, गेट का स्कोर होता है, वैसे ही उस स्कोर के आधार पर राज्य सरकार भी चाहे उस स्कोर को इस्तेमाल करके लोगों का एडमिशन, स्टूडेंट का एडमिशन ले सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी उस स्कोर के आधार पर ले सकता है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है शिक्षा जगत में, जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जो NTA ले रहा है। और ये संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है कौन, UGC के मार्गदर्शन में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब आसमान छूते कट ऑफ मार्क से आपको राहत मिल रही है, अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बड़े आसानी से, गार्जियन के लिए भी टेंशन खत्म, और एकदम सही ढंग से हो रहा है, फेयर ढंग से हो रहा है, स्वागत किया जाना चाहिए सभी विद्यार्थियों के लिए। सूचना है, April 1st से एडमिशन का जो ऑनलाइन आवेदन होगा शुरू होगा, एग्जाम July 1st में होगा। सिलेबस भी आउट होगा, एडमिट कार्ड भी मिलेगा, एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी ऑनलाइन आएगा। तो थोड़ी तैयारी करने की जरूरत होगी, अभी से आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आपको ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स लेना है, ग्रेजुएशन ज्योग्राफी लेना है, तो वो सब्जेक्ट का तैयारी थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से। क्योंकि सब्जेक्ट पर, क्योंकि अब तो मेरिट पर होगा, जिसको टेस्ट में अच्छा आएगा उसी का मेन मेरिट के आधार पर होगा, रैंक के आधार पर होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कोई भी प्रश्न है, डाउट है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं, इसका जवाब आपको दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको इसका नॉलेज, इसका ज्ञान मिल सके। थैंक यू वेरी मच।